हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं रामचरण सर के पोर्ट्रेट को पेंट करूंगी राख का यूज़ करके। तो राख को मैंने बनाया, मैं आज पहले आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। तो राख बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कैंडल को जलाया और ये एक कार्डबोर्ड का पीस है, मैंने कार्डबोर्ड से राख बनाया था। तो कार्डबोर्ड को जलाने से ना जो हमें राख मिलती है ना वो थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की होती है, तो वो राख से आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हो। पेपर से भी आप बना के यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पेपर से जब मैंने जलाया था तो उसका जो राख था वो थोड़ा लाइट मतलब ज़्यादा आपको डार्क कलर नहीं मिला, तो मैंने इसीलिए राख कार्डबोर्ड जला के देखा तो इससे मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिला। तो मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है राख बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, जो भी राख मेरा निकला है मैं उसे अच्छा से फिंगर से मैं उसे मिक्स कर रही हूँ ताकि उससे जो मुझे वो स्मूथ टेक्सचर मुझे मिल जाए, वो ब्लेंड हो जाए प्रॉपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब इसे आप पानी के साथ जब इसे मिक्स करते हो तो ये कैसे वर्क करता है, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो आप देखो, जैसे जब मैं इसे अच्छा से मिक्स कर रही हूँ तो ये मिक्स तो प्रॉपर नहीं हो पाता है, बट आपको कलर प्रॉपर मिल जाता है जब आप इसे वाटर के साथ मिक्स करते हो। तो देखो, जैसा कि आप, जैसे मैं आपको पेपर पर दिखा रही हूँ, तो ये प्रॉपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा प्रॉपर, तो आप इससे बहुत इजीली वर्क कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इससे मैं वर्क कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल वर्क है, देखते हैं ये प्रॉपर वर्क हो पाता है कि नहीं। तो आप देखो, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैंने कुछ राख एक्स्ट्रा मैंने बना लिया था, मैंने इसे यूज़ करके पूरा पोर्ट्रेट को मैंने पेंट किया है। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सिंथेटिक ब्रश का यूज़ किया है और एक फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है, तो मैं इनका यूज़ करके इस पूरे पोर्ट्रेट को पेंट करूँगी। सो कंटिन्यू वॉच द होल वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.
राख से वर्क करना उतना इजी नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप राख को ब्रश से जब ब्लेंड करते हो, मिक्स करते हो पानी के साथ, तो वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है और जो भी राख का एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होता है, एक्स्ट्रा डस्ट होता है, वो आपके ब्रश पे आ जाता है और जब आप उसे पेंट करोगे तो वो आपके पेपर पे आ जाएगा, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्लस जब आप जब पानी से जब उसे ब्लेंड करते हो, जब पेपर पे यूज़ करते हो, तो वो आपको डार्क कलर दिखेगा, बट जब वो सूखता है तो वो लाइट कलर हो जाता है। तो ये एक दूसरा है कि आपको एग्जैक्ट कलर नहीं पता चलेगा कि आपने कितना डार्क यूज़ करना है, कितना लाइट यूज़ करना है। तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उसे वर्क नहीं कर सकते, आप प्रॉपर वर्क कर सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।